हेलो बच्चों, आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है और मैं राहुल सर। आज एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था और आज हम लोग जानेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है, जो आज एसबीआई क्लर्क में एग्जाम देने गए थे, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, किसका वेटेज क्या था और आपको इसी हिसाब से संडे का भी एग्जाम क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए फोन लगाते हैं अपने स्टूडेंट का। नाम है उसका अभिजीत है, चलिए फोन लगाते उसका। अभिजय, राम राम सर जी। हाँ राम राम, कैसा क्या एग्जाम तुम्हारा? एग्जाम बहुत बढ़िया रहा सर, आप सुबह जो जो गाइड किए थे उस सब के हिसाब से सभी प्रश्न आए थे। हाँ, जो जो हम बोले हुए थे, जैसे कि तुम पूछे हुए थे 10 से 15 दिन पहले कि क्या किस पर फोकस करने वाले थे, तो उसी हिसाब से फोकस किए थे ना। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? ब्लड लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ब्लड लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है पजल से। हाँ, बोले थे ना इस पर पजल का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाँ, और बताइए, बताओ कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 35 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। 30, वाह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम दो और हमारे जो स्टूडेंट है उसको भी मोटिवेट करो, क्योंकि प्रिपरेशन करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को देखे, मेरे एक स्टूडेंट था जिसने आज एग्जाम दे के आए हैं और उसने बताया अपना सारा किस कैसे कैसे किस कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो जाते जाते ये बोला कि सबसे ज्यादा उसका क्वेश्चन पूछा गया था किससे पूछा गया था, पजल से पूछा गया था। तो संडे का जिन जिन स्टूडेंट का एग्जाम है तो पजल पर ज्यादा फोकस करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से।